नागा साधु भारतीय साधु वर्ग का एक विशेष रूप है जो तप और साधना के लिए जाने जाते हैं। ये साधु मुख्यतः हिंदू धर्म में शैव परंपरा से जुड़े होते हैं और विशेष रूप से महाकुंभ मेले में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने सामान्य जीवन को छोड़कर कठोर नियमों और तप का पालन करना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति को पहले गुरु के पास जाना होता है। गुरु की सहमति से वह दीक्षा लेते हैं और अपने पुराने जीवन की सभी बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेते हैं। यह एक आध्यात्मिक सफर है जिसमें साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी होती है। साधु बनने के बाद वे सामान्य मानव जीवन में आने वाली भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं और केवल आत्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत साधारण और कठिन होता है। वे अपने शरीर को सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए केवल नग्नता का आश्रय लेते हैं। अक्सर ये साधु भस्म का उपयोग करते हैं जो उन्हें न केवल मानसिक संतुलन में मदद करता है बल्कि बाहरी दुनिया से भी पृथक करता है। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा का उन्नयन और शारीरिक सुखों से परे जाना होता है। खाने पीने के मामले में नागा साधु बहुत साधारण रूप से व्यवहार करते हैं। वे आमतौर पर केवल फलों, मूंगफली, दालें और कभी कभी दूध का सेवन करते हैं। कई साधु अन्न का सेवन नहीं करते और केवल जल पर निर्भर रहते हैं। साधुओं का यह जीवन भौतिकता से दूर रहने और आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। समाज में नागा साधु की भूमिका केवल तपस्या और साधना तक सीमित नहीं है। वे अक्सर समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उनके जीवन में अटूट संयम और संकल्प की मिसालें होती हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। समाज में उनकी उपस्थिति से ही यह संदेश फैलता है कि भौतिक सुख अस्थायी है और वास्तविक आनंद आत्मिक विकास में है। अघोरी साधु भारतीय संस्कृति के एक अनोखे हिस्से को समेटे हुए हैं जिनका जीवन रहस्य और ज्ञान से भरा होता है। ये साधु शैव परंपरा से संबंध रखते हैं और शिव के अघोर रूप की उपासना करते हैं। अघोरी साधुओं का ध्यान जटिलता से दूर रहकर जीवन की नश्वरता और मूर्तियों की सीमाओं को पार करने पर होता है। इन साधुओं के बनने की प्रक्रिया एक गहन तपस्या और साधना से भरी होती है। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को समाज की हानिकारक मान्यताओं और परंपराओं को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये साधु अक्सर कब्रिस्तान में रहते हैं जहां वे साधना करते हैं और मृत्यु के अद्वितीय पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। अघोर साधु के जीवन में संन्यास, ध्यान और साधना के जरिए अलौकिक शक्तियों को हासिल करने का प्रयास होता है। अघोरी साधु का जीवन भौतिकता से परे होता है। वे साधारण रूप से ताजगी और शांति की खोज में अपने दिन बिताते हैं। उनकी दिनचर्या में ध्यान, मंत्र जाप और योग के माध्यम से आत्मा की खोज प्रमुख होती है। वे त्याग और साधना के माध्यम से भौतिक सुखों को छोड़कर अध्यात्म की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। खाने पीने की बात करें तो अघोरी साधु का आहार सामान्यतः केवल आवश्यकता के अनुसार होता है। वे मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं लेकिन यह उनकी साधना के दौरान होता है। उनका मानना है कि मृत्यु और तात्कालिकता को समझना आवश्यक है, इसलिए वे ताजे मांस के सेवन से परहेज नहीं करते, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य केवल तात्विक ज्ञान प्रकट करना है। अग्नि और 84 के सिद्धांतों को समझने के लिए अघोरी साधु विशेष नजरिया रखते हैं। वे सांसारिक जीवन की जोड़ी में वैराग्य की भावना का सम्मान करते हैं। यह संतों का एक सशक्त समुदाय है जो समाज की निगाहों से परे अपनी गहरी समझ और शिक्षा को फैलाने का कार्य करते हैं। अघोरी साधु का जीवन हमें सिखाता है कि केवल दृष्टि बदलने से ही हमें जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव हो सकता है।